नाश्ता रेडी है क्या? हाँ रेडी है, आप बैठिए हम लगा देते हैं। थैंक यू। आज बैग नहीं ले जा रहे आप? अरे दिमाग से उतर गया था, ला। अरे नाश्ता तो कर लीजिए। अरे बहुत लेट हो रहा है, अब क्या जा रही हो, जॉब से निकाल दे। अरे आज जल्दी आ गए ऑफिस से? जल्दी आ गए? मेरा तो बस तेरे मैं ऑफिस ही ना जाऊं। ना शुक्री क्यों करते हैं, इतनी अच्छी तो जॉब है और फिर जैसी आप चाहते थे वैसी ही आपको अल्लाह ने अता फरमाई है, तब भी आप परेशान रहते हैं। काहे का शुक्र अदा करें यार, एक तो इतनी कम सैलरी है कि समझ में नहीं आता मेरे कि घर का किराया दें कि राशन के पैसे दें कि अपना मुंह पीट लें। सैलरी नहीं कम है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं और फिर आप परेशान क्यों होते हैं, सब कुछ इसी सैलरी में तो मैनेज हो रहा है। कितना मैनेज करें यार, हैं? क्या पूरी जिंदगी मैनेज करते हुए गुजार दें? अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, सब कुछ मैनेज तो हो रहा है। अरे उनसे पूछिए जो एक एक वक्त के खाने के लिए तरसते हैं। तो वही हाल तो हम लोगों का भी है, आज तक तुम्हें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में हम खाना खिलाने ले जा पाए? तो मुझे इस चीज का कोई अफसोस नहीं। हाँ तो तुमको इस चीज का अफसोस नहीं है, लेकिन ये सब भी जिंदगी का हिस्सा है जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं यार। अरे आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे जिंदगी तमाम ही हो गई है, और मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। देखिएगा एक न एक दिन हम लोग दुनिया के सबसे बड़े होटल में खाना खाने जाएंगे इंशाल्लाह। यार बात सिर्फ बड़े होटल में खाना खाने की नहीं है, और भी चीजें होती हैं जिनको लेकर के हमें 75 बार सोचना पड़ता है। कहीं आप वो गोल्ड की चैन की बात तो नहीं कर रहे हैं जो मुझे पसंद आई थी? वो दिन मैं अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा और मैं तुम्हें दिला नहीं पाया। चैन तो मामूली सी बात है, हो सकता है अल्लाह ने मेरे नसीब में हीरो का हार लिखा हो। ऐसा कब तक चलेगा यार, कब तक ये छोटी छोटी चीजों के लिए सोचना पड़ेगा हम लोगों को, मेरा तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। आज आप अचानक इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, कोई बात है मुझे बताइए। कोई बात नहीं है। नहीं जरूर कोई बात है, आपको मेरी कसम है, मुझे बताइए। वो भैया का एडमिशन इस साल करवाना है? हाँ करवाना तो पड़ेगा ही, माशाल्लाह बड़ा हो गया है। यार मेरी पूरी सैलरी तो घर के खर्चों में खत्म हो जाती है, इसकी फीस का इंतजाम कहाँ से होगा? अरे भरोसा रखिए, अभी उसके एडमिशन में 3 महीने हैं, अल्लाह सब इंतजाम कर देगा। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, इतना सब कुछ गलत हो रहा है हम लोगों के साथ फिर भी तुम्हें अल्लाह पे कितना भरोसा है, कैसे कर लेती हो? क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही है जो कभी साथ नहीं छोड़ते। अच्छा अभी अभी मैं दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दे करके आया हूँ कि मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ जाएगी, भैया की फीस जमा कर देंगे, यही साथ दे रहा है, सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। तौबा कीजिए, गुस्से में कुछ भी बोले जा रहे हैं आप, अल्लाह जब एक दरवाजे बंद करता है तो हजार दरवाजे खोल देता है। मैं भरोसा करता हूँ अल्लाह पे, लेकिन इतनी परेशानियाँ आ रही है कि मैं कमजोर पड़ रहा हूँ यार। कमजोर पड़ रहा है? इधर आइए एक मिनट, देखिए ऊपर, ऊपर देखिए एक बार, कुछ दिखा आपको ऊपर? क्या देखूं ऊपर? ये जो उड़ते हुए परिंदे देख रहे हैं ना आप, जब ये शाम को घर वापस जाते हैं ना तो इनकी चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता है, होता है तो सिर्फ अल्लाह का भरोसा, जो परिंदों को अल्लाह पर हमसे ज्यादा है, और जिस अल्लाह ने अब तक साथ दिया है ना वही आगे भी देगा।